जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। पिछले कई सालों से ये एक परंपरा रही है कि जो हमारा लोकल मेला होता है जात्र मेला, इसको पंचायती करती है। और आज जन्माष्टमी के दिन जब कृष्ण का जन्म हुआ, उसमें सभी जितने भी हमारे चौरासी परिसर में मंदिर हैं उनको हम नए वस्त्र पहनाते हैं। वही परंपरा आज पंचायत ने यहाँ पर निभाई है, जिसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे और हमारे जो पुजारी हैं वो भी साथ में रहे, सहनाई वादक भी साथ में रहते हैं, और बहुत से यात्री और श्रद्धालु जो हमारे दूसरे क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, प्रदेश से आए हैं या अन्य किसी प्रदेश से हैं, उन्होंने भी इसमें अपना पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर 7 दिन तक चलता है। और मेरा जितने भी श्रद्धालु उनसे आग्रह रहेगा, इस बार मौसम खराब होने की वजह से कई जगह हमारे रास्ते टूटे भी हैं, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, प्रशासन का भी सहयोग करें। और हिमाचल प्रदेश की सरकार आपकी सेवा के लिए प्रयासरत है। किसी को किसी प्रकार की कोई कमी हो तो मेरे को डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं, पंचायत के प्रधान से बात भी कर सकते हैं, एडीएम साहब से बात कर सकते हैं। आप सबको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जात्र मेला 2022 जिसका आज हमने ग्राम पंचायत भरमौर ने इसकी शुरुआत की है, और इस मेले में आज मुख्य अतिथि के रूप में भरमौर के विधायक झिरझिरीलाल कपूर जी ने भाग लिया, और जितने भी हमारे पंचायत के सदस्य थे और पुजारी थे लोकल, सब ने इसमें आज भाग लेकर, और हमने जो शिव मंदिर से यहाँ पे झंडा चढ़ता है वहां से हमने इसका आगाज किया है, और हर मंदिर में वस्त्र मुख्य अतिथि ने चढ़ाए हैं। 7 दिन तक ये चलने वाला मेला, हर वर्ष की भांति ये मेला होता है, पर पिछले 2 वर्ष जो कोरोना काल रहा उसमें हम इसको नहीं कर पाए। कुछ रीति रिवाज पिछले साल हम निभा पाए थे, पर इस बार हम अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं। और रही बात इस मेले की, जो इसमें स्थानीय जो हमारे पुरानी वेशभूषा में जो औरतें और पुरुष अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम रात को करते हैं, और दिन में भी जात्रें होती है, रात को जगराते होते हैं, और लोग इसको अपना जो हमारा पुराना रीति रिवाज है इसको सामने लाकर इसका हम प्रयास करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। मेरा सभी से ग्राम पंचायत निवासियों के और जितनी भी हमारी इर्द गिर्द की पंचायतें हैं जो यहाँ पर इस मेले को देखने के लिए आती हैं, वो सब इस मेले में शांति बनाए रखें, और सबको एक बार मेरी ओर से और पूरी पंचायत की ओर से जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।